नंबर बी हमारे पास है 18,000 पर 2.1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से संयोजित करने पर कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले आप लिख लो। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन में दिया है क्या क्या दिया हुआ है। अरे मूलधन दिया हुआ है मेरे पास, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी इसे हम पी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पी बराबर दे दिया जाए, आर बराबर दे दिया जाए, टी बराबर दे दिया जाए, तो आप पहचानो कि हाँ पी मतलब हो गया मूलधन, क्योंकि प्रिंसिपल होता है मूलधन। ओके, ए दे दिया जाए, ए मतलब होता है मिश्रधन, यानी कुल राशि, यानी अमाउंट मतलब ए, यानी मिश्रधन आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ले करके मैं चलता हूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपये ये आपको दिया हुआ है। क्या भाई? मूलधन। अच्छा, दर की बात करते हैं, यानी रेट की बात करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपका 10% की दर से। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है ना, 10% दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, तो समय हमारे पास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2.1/2%। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये अंतर, ये सॉरी ये प्रतिशत नहीं यार, वर्ष है, समय वर्ष में ना होगा यार, सॉरी। ओके, वर्ष में दिया हुआ है। ओके, अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे, तो इससे पहले जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें समय जो था एक सिंपल वे में दिया हुआ था, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, लेकिन इसमें भिन्न के रूप में दिया हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, वो आप समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे, पहले हम कुल राशि यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह ये काफ़ी लेगा। कुल राशि मतलब हम लोग क्या समझते हैं, अरे मिश्रधन समझते हैं, यानी मिश्रधन की बात ये कर रहा है ना, कुल राशि मतलब मिश्रधन। अगर वर्ष सिंपल वे में रहता, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष, यानी भिन्न के रूप में नहीं रहता, तब यही फॉर्मूला लगता। देखिए ये फॉर्मूला लगता है, मूलधन इंटू 1+(100/100)² समय, यही फॉर्मूला लगता। ओके, बट यहाँ भिन्न के रूप में समय दे दिया है। ओके, तो अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे इस फॉर्मूला को, फिर से लिखेंगे 1+, अब ये जो भिन्न के रूप में दिया हुआ है 1/2, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 100/100, और इस पर पावर नहीं आएगा। ये जो समय आया है, ये जो सिंपल में लिखा हुआ है 2, ये समय की जगह आ जाएगा, और 1/2 ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस पे क्या करो, पुट कर लो और बना लो। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 18,000, 1+ दर कितना दिया हुआ है, दर हमें 10% दिया हुआ है, यानी 10/100 होगा। ओके, अब यार 10% दिया हुआ, तो ये 100 कैसे आता है आपको पता है ना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, और ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज अगर हम ये 100 नहीं लिखेंगे तो ये परसेंटेज ही रहेगा, है ना, यही परसेंटेज कैंसिल होता है तो 100 आता है इसके नीचे, है ना, इसके नीचे 100 किसके कारण होता है, इस परसेंटेज के कारण होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, तो 100 आप कैंसिल करो तो उसके नीचे आप 100 आप दो, है ना, तो ये 100 आता है। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, 2, सिंपल वे में जो लिखा हुआ है 2, उसके बाद फिर इंटू, फिर 1+(1/2), ये जो भिन्न वाला आपका समय है ये आ जाएगा 1/2 की जगह कोई और भिन्न दिया हो रहा था 3/5, तो 3/5 आ जाता है। ओके, फॉर्मूला उस हिसाब से यहाँ पे हम चेंज करते हैं। दर कितना दिया हुआ है, 10%, यानी 10/100। ओके, अब यहाँ से देखिए, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, और ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब ये देखिए 18,000 है जी, फिर आपका क्या है, 1+(1/10) बचा, पावर कितना है, 2 है, फिर इधर क्या है जी, 1+, ऊपर में क्या है, 1 बचा, नीचे में कितना है, 2×10 कितना हो जाएगा, 20। ओके, तो ये कितना है, 18,000। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ निकाल लो, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो बन, इसके नीचे कुछ नहीं तो बन, भिन्न का जोड़ आप जैसे बनाते हो वैसे बना लो, तो ये आपका कितना आ रहा है, 11/10 आ रहा होगा। ओके, फिर इंटू ये कितना आ जाएगा, 21/20। अब हम देखो इसके पावर क्या है, पावर 2 है, यानी इसे हम 2 दो बार हम गुना के रूप में लिख सकते हैं, यानी 18,000 × 11/20 × 11/20
और इसके पावर तो एक ही दिया हुआ है, कुछ नहीं तो पावर एक हम लोग मान के चलते हैं, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, 21/20 एक ही बार लिखेंगे। ओके, अब यहाँ देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, इस शून्य से ये शून्य कैंसिल, फिर इस शून्य से ये शून्य कैंसिल। ओके, सरासर शून्य कैंसिल हो गया। अब इसे हम काट लेंगे, 2 × 18, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 9 × 11 × 11 × 21, ओके, बटा 2 × 2 = 4। ओके, अब क्या करो, इन सभी को आप गुना कर दो। ओके, तो इन सभी को जब हम लोग गुना करते हैं तो ये हमारा कितना आता है जी, ये हमारा आ रहा है, अच्छा ये और भी कैंसिल हो रहा क्या, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा। ओके, तो इसे आप गुना करो, चलिए इतना तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए पावर कितना है, 2 है, यानी कि इसे हम 2 times लिख सकते हैं, 2 बार इंटू ग्रुप में लिख सकते हैं, यानी कि 18000 गुना 11/10 × 11/10 इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका 21/20। इस पे पावर अगर कोई और नंबर और भी नंबर होता तो इसे हम उतना बार हम लिख सकते थे। ओके, लेकिन इस पे कुछ नहीं है तो एक ही बार लिखाएगा ये। ओके, अब यहाँ आप देखिए, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, और ये कट चुका है 2 × 18। बचा क्या आपका 9 × 11 × 21, इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें देता है 22869 रुपये, जो कि कुल राशि, ये आपका अमाउंट आ चुका है, ये आपका क्या आया रे, अमाउंट आया यानी कुल राशि आया, यानी मिश्र धन आया, है ना, मिश्र धन आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है आपका कुल राशि यानी कि मिश्र धन। तो यहाँ पे बुक में कुल राशि का जिक्र किया गया है तो कुल राशि ही हम लिखते हैं, तो कुल राशि मतलब क्या होता है रे, मिश्र धन होता है, ठीक है, यानी कुल राशि माइनस मूलधन होता है। कुल राशि की जगह हम लोग मिश्र धन भी लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, आप चाहो तो ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात एक है, ठीक है, क्योंकि कुल राशि का मतलब ही मिश्र धन होता है। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए कुल राशि कितना आया है मेरा, 22869 माइनस मूलधन कितना दिया हुआ है, 18000 रुपया। ओके, अब इनको क्या करो, माइनस कर लो, माइनस करने पर ये अब मेरा कितना बन रहा है, 4869 रुपया, 69 रुपये ये मेरा बन रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका इतना आ गया। ओके, तो इस प्रकार मैंने दोनों जो है मैंने सोल्व कर लिया, जिसमें कि आपको बोला गया था एक बोला गया था आपको कुल राशि यानी मिश्र धन निकालने, और दूसरा क्या निकल चुका है हमारा, ACI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो इसे आप कॉपी करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं।